एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ रायता। इसके लिए मैंने 250 ग्राम दही लिए हैं, 250 ग्राम के करीब दही और एक छोटी कटोरी सी बूंदी, साथ में भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी धनिया पत्ती और काला नमक। अब मैं इन सबको इसमें मिलाऊंगी। पहले मैं दही को पतला कर लेती हूँ। दही को हम अच्छे से पतला कर लेंगे। अगर लगे कि आपको इसमें पानी डालना है तो आप इसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि जब बूंदी डालेंगे ना तो हमारा ये बूंदी जो है पानी को अच्छे से सोख लेगा, इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आधा गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊँगी। लगभग मेरा दही पतला हो गया है। अब मैं इसमें एक कटोरी, छोटी कटोरी से एक कटोरी के आसपास बूंदी डाल दूंगी। और मैं इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जब ये हमारा मिल जाए तब फिर मैं इसमें काला नमक डालेंगे। काला नमक एक चम्मच के करीब हम इसमें काला नमक डालेंगे, छोटे चम्मच से। और छोटे चम्मच से आधा चम्मच के करीब धनिया, भुना हुआ जीरा और एक छोटे चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा इसमें मिला देंगे। जीरा मिलाने से रायता का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और साथ में थोड़ा बारीक चॉप धनिया पत्ती, इसे मिला के मैं एक जगह रख दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा सादा नमक मिलाऊंगी। आधा चम्मच के करीब मैं इसमें सादा नमक मिलाएंगे। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिला के आधे घंटे के लिए इसे रख दूंगी। हमारा देख सकते हैं कि रायता बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसे ढक देती हूँ। रायता बन के कम्प्लीट हो गया है। मेरा रायता आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज मैं बनाने जा रही हूँ भेज बिरयानी। इसके लिए मैं सबसे पहले एक छोटी कटोरी के करीब मैं चावल ली हूँ। उसके बाद मैं कुछ हरी सब्जियाँ जैसे बीन्स, गाजर, मटर, दो आलू, दो प्याज और साथ में कुछ गरम मसाले, साथ में मैंने कुछ गरम मसाले खड़े हुए लिए हैं, 5 ग्रीन चिल्ली और 2 तेज पत्ते और थोड़े से मैंने सोयाबीन को भी गरम पानी में भिंगो के रखा है। अब जब ये सारे हो जाए उसके मैं चावल को भी धो के रख लेती हूँ। कम से कम ये 15 मिनट तक पानी में भींगा रहे, इसे मैं धो के रख लेती हूँ। तब तक मैं प्याज और आलू ये सब कट कर लेती हूँ। अब मैं पतली पतली प्याज काट लेंगे। जब हमारा प्याज कट जाए तो मैं फिर आलू को कट करूंगी। आलू को आप इस टाइप से काटिए, आधे आलू कर लिया आपने, फिर इसे पीस से एक कट लगा के इसके लंबे लंबे पीस में से काट लीजिए। इस टाइप से आप इसे आलू को, सारे आलू को कट कर लीजिए। सारे आलू हमारे कट गए हैं। अब मैं इसे पानी में धो लेते हैं। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया, तब इसमें सब्जी भुनने के लिए सरसों तेल डाल देते हैं।
तेल गरम हो जाएगा तब मैं इसमें सोयाबीन को सबसे पहले भूनूंगी, क्योंकि ये तेल अच्छे से इसे डाल के भून लेंगे। लगभग ये मेरा लाल हो गया तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ। जो भी मेरे खड़े मसाले हैं और तेजपत्ते, हरी मिर्ची, उसे मैं डाल देती हूँ। इसके बाद मैं हरी सब्जी को इसमें डाल के भून लेंगे। अब जो मैंने प्याज कट किया था, इस प्याज को इसमें मिला देंगे और साथ में मटर जो थे उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। इसमें डालने के लिए दो टमाटर को भी कट कर लेते हैं, पतला पतला पीस काटेंगे इसको। इसको मैं ही नहीं करेंगे, इसे पतला पतला पीस काटेंगे। इस टाइप से टमाटर को कट कर लेंगे। लगभग मेरा सब्जी 50% भुना गया। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी और एक चम्मच के करीब मिक्स मसाला। अब मैंने जो टमाटर कट किए थे ना, उस टमाटर को भी मैं इसमें मिला दूंगी। अब इसे मैं अच्छी तरह से चला लेती हूँ। अभी जो मेरा सोयाबीन भून के रखे थे, इस सोयाबीन को भी इसमें मिला देंगे। जब मेरा मसाला अच्छी तरीके से पक जाएगा तब फिर मैं इसमें चावल डाल के चावल को भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। भूनने के बाद जब हमारा सब्जी भुना जाएगा उसके बाद फिर मैं कुकर में डाल के 1 सीटी के करीब मैं इसे लगा दूंगी। लगभग हमारा सब्जी अच्छी तरीके से भुना गया, साथ में मसाला भी पक गया है। तब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब घी डालूंगी। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें घी डालूंगी। घी डालने के बाद एक चावल मैं फुला के रखी थी ना, आप इस चावल को इसमें डाल के भून लेंगे। देख सकते कि हमारा चावल सब्जी सब भुना गया है। अब मैं इसमें इसे उतार देती हूँ। अब मैं कुकर बैठा देती हूँ इस पर। दो गिलास के करीब हम इस पानी लिए हैं। जब मेरा पानी खोल जाएगा तब इस चावल को, जो मैं चावल और सब्जी को भुने ना, इस कुकर में डाल के 1 सीटी के करीब इसे हम लगाएंगे। मेरा लगभग गर्म हो गया है। अब मैं इस कुकर में इस चावल को डाल देते हैं। सारे सभी कुकर में हम सारे
कुकर में हम चावल को डाल दिए हैं, चावल और जितने सारी सब्जियां थी सबको डाल दिए हैं। अब कुकर को बंद करके 1 से 2 सीटी इसको हल्की आंच में लगाएंगे। जब हमारा 1 से 2 सीटी बन जाएगा तो मैं चूल्हा ऑफ कर दूंगी। लगभग बिरयानी बन के रेडी हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। अब मैं इसमें थोड़े से धनिया पत्ता मिला दूंगी। धनिया पत्ता मिला के इसे अच्छे से चला देंगे। थोड़ी सी मेथी चटनी, साथ में धनिया की चटनी, तो पापड़, जो मैंने रायता बनाया था ना उस रायता को मैं मिला के डाल दूंगी इसमें। आपको कैसी लगी मेरी भेज थाली कमेंट दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी भेज बिरयानी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और किनको किनको इस टाइप की थाली पसंद है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके बाय, थैंक यू।